ওনাদেরকে ইন্টারভিউ দিব। তো আজ মানে কম মানে কি করা হয় কি আসলে তোমরা কি বার কই দি আরে বহন কেটা বলে দেখ থেকে হারাম নেই হারাম না মায়া মেরা क्यों जा रहे हो? अरे क्यों तेरे में हिम्मत है तो अबे चुके रोजक में आ जाए रोजक रोजक में पॉपचिंग क्या जानी मोन दम मुद्रा रोजक था वो रोजक तो भाई साहब इतनी तगड़ी पकड़ के बाद हम भी उतर गए पोटंकी हमने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं हम उतर जाते पोचिंग की आस पास दो चार पैरों की और दिखाई दे रहे थे ऊपर वो पार्ट वा करिए तो यहाँ हम उतरते हैं ये पिस्टल विस्टल छोटी मोटी गाड़ी मिलती है और बात करने लगती है फायरिंग की आवाज़ तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत टूट टूट करने के बाद पहले तो मैं एक शॉर्ट में उठाता हूँ प्रोविजन के लिए और थोड़ा लोग धीरे से बाहर जाते हैं और जिस तरफ फायरिंग हो रही थी हम भी चले जाते हैं उस तरफ और यहाँ पर हमें फाइनली उसे मिल जाती है थोड़ी बहुत डंग ढंग की बने वो बेचारे और यहाँ पर हमें एक एम और मिल जाती है शॉर्ट गन और एक एम लेने के बाद इस तरफ तो फायरिंग हो रही थी मैं उस तरफ दौड़ता हूँ तो हमें मिलते हैं ये बाइक को पता ही नहीं चला हमने इनको भर दिया सामने की ओर से और फायरिंग हो रही थी मैं यहाँ पर दोनों एक एम उठा ली एक एम उठाने के बाद जिस तरह से फायरिंग हो रही थी उस साइड में फिर उड़ता हूँ थोड़ा बहुत दुख पार करता हुआ तो ऐसा मैं सामने देखता है ये बंदा यहाँ पर एक जो कि दौड़ता होगा उस घर के पीछे की साइड जाता है और उसके पीछे पीछे उसके पीछे भी जाता हूँ लेकिन हमको मिलता ही नहीं है मुझे लगता है उस घर में गया लेकिन इतने पे मेरे ऊपर की फायरिंग तो मैं तो गया हाँ मिलता है कोई है अब यह बोर्ड था यह बंदा पता नहीं लेकिन मैं उसको रुकता नहीं हूँ तभी मेरे को एक और बंदा दिखता है और यहाँ पर उसके पीछे रहता हूँ और उसके शॉट गन के एक शॉट से हमारा काम खत्म तो भाई साहब उस शॉट गन के एक शॉट ने हमें फिर से पे भेज दिया है लॉबी में नेक्स्ट गेम पे इस बार हम उतरने वाले हैं लेक के बेस की साइड में देखते हैं क्या होता है नहीं मिलिट्री बेस नहीं उतरेंगे हम उतरेंगे लोगों में हम चेक कर रहे हैं कहाँ उतर पहुँचेंगे कि उतरे मिलिट्री बेस उतरे वो एंड में उतर जाएंगे हम लोगों तो भाई लोगों वहाँ से बहुत दूर दिख रहा था तो हम उतर जाते हैं आज शेल्टर से आगे प्रिजन जो भी जगह है यहाँ पे और यहाँ पर उतरते हैं हम और पार्ट शुरू करते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत पार करने के बाद पार्ट कट और शोर गंगा एक कमरे के बाहर आऊँ
कभी तो यहाँ पर ये बहुत इसको मैं तीन छोड़ पर मारता हूँ तब जाके एक कनेक्ट होती है। आई एम अ नूब प्रो अल्ट्रा लेजेंड नूब पार्ट कट अगेन। तो वहाँ प्रिजन साइट से कोसो किलोमीटर दूर चलने के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँच जाते हैं। पता नहीं कहाँ कौन सी जगह है और यहाँ पर अब बहुत अच्छी लूट हमें दिखी। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी खासी लूट थी। यहाँ पर हमें मिलती है फ्लेयर गन जिसको कि हम एक बिना बिना टाइम वेस्ट किए खिड़की से बाहर कूदते हैं और फायर कर देते हैं। और कुछ देर वेट करने के बाद हमारा ड्रॉप फाइनली आ जाता है नीचे। वहाँ पर हम एक स्मोक डालते हैं जो कि हमारा निशाना सही नहीं लगता है, थोड़ा भी की साइड भी जाती है, लेकिन हम आराम से यहाँ पर लूट करते हैं। गोजा और एडब्ल्यू उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, भाग जाते हैं, रुकने का काम तो है नहीं यहाँ पर। तो रुकने के बाद यहाँ तो कोई नहीं मिलता है तो यहाँ से मजा आता है थोड़ा और आगे। और यहाँ पर हमें मिलता है ये बोट, यहाँ पर फाइट चलती है बोट वर्सेस बोट, बड़े बोट थे हम उससे बड़े बड़े बोट। ये देखो अल्ट्रा लेवल के बोट कितना खेल रहे थे हम। तो वहाँ पर उस बोट के अलावा कोई नहीं मिलता है और वहाँ से आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये जगह कहाँ है पता नहीं हमें, कितना भूल गए यहाँ पर। और यहाँ मिलती है ये शानदार कार जिसको कि हम ड्राइव नहीं कर सकते, ये लोगों को पता ही नहीं था। ना से अच्छी खासी लूट ना से कार से मिलती है हमें। मैं इस कार में बैठने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम नहीं बैठ सकते सर इस कार में, तो इस कार को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसके नीचे डाल देता हूँ मैं लेकिन उस कार को कुछ भी नहीं होता है, वो कार जरा सी डैमेज नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें मिलता है एक और बॉट जिसको कि हम मारते हैं AWM से 3x लगा के, जिसमें कि हम पैराशूट मिस कर देते हैं और दूसरा हेडशॉट लगाते हैं। फर्स्ट टाइम AWM से हेडशॉट लगाया हमने किसी को, बॉट है तो क्या होगा। तो यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं हम। तो फाइनली 2-3 हज़ार किलोमीटर दौड़ने के बाद हमें मिल जाती है बगी। तो बगी लेकर हम निकलते हैं सीधे स्कूल की तरफ, मार्क कर रखा था हमने यहाँ पे स्कूल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आस पास बैकग्राउंड थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आ गई थी तो पार्ट की आवाज़ को म्यूट कर दिया गया है। तो यहाँ से हम स्कूल के पास वाले अपार्टमेंट्स में से होकर स्कूल की तरफ जाते हैं जहाँ हमें लगता है ये कोई नहीं होना चाहिए। तो हम स्कूल में नहीं रुकते हैं और सीधे स्कूल के पास वाली पहाड़ी पर जाकर रुकते हैं जहाँ पर रुकते ही हमें स्कूल की साइड से शॉट सुनाई देता है।
करने की हम कोशिश करते हैं अपने AWM से। छत पे हम लोग नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ सिक्स लगा के, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि हमने मजाक में हमारे सिक्स एक्स की सेंसिटिविटी बिगाड़ दी थी। तो फिर मजबूरन फोर एक्स का काम सारा पड़ता है, जिससे बंदा सपोर्ट होता है छत पे, बंदा के सब कुछ रहा था और हम थे वो। तो हमसे उसको एक भी शॉट, हम उसको एक भी शॉट नहीं लगा पाते हैं। देखो बंदर कूद रहा है वहाँ पे छत पे। तो फाइनली हम उसको कोशिश करके एक शॉट लगाते हैं यहाँ पे, लाइक लग भी जाता है वो शॉट और भागते वक्त ही जाके छुप जाता है। और इतने में हमने देखा है रेड जोन जो कि हमारे छत के ऊपर ही था। तो उस बंदे को थोड़ी देर ढूंढने के बाद हम वहाँ से ऊपर देखते हैं और ये चार जो भी बना हुआ है इसके नीचे जाकर छुप जा रहे हैं और आसपास बमबारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ मेरे फ्रेंड की आवाज़ आ रही है और इस हाथ में जिनका देख रहा था चारों तरफ बमबारी हो रही है। बस जा दिया तो यहाँ रेड जोन रखने के बाद मैं उस स्कूल वाले बंदे को फिर से ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हमें नहीं दिखता है। फॉरेस्ट वाले ढूंढ रहा था मैं उसको और इतनी ही देर में पीछे से आती है एक बगी की आवाज़ जो कि पीछे से निकल जाती है, शायद उतनी नहीं है। तो पीछे ढूंढ के वापस से स्कूल की साइड में आ जाता हूँ उस बंदे को स्कॉट करने के लिए और बंदा हमें स्कूल की छत पे स्पॉट होता है। डर को गया वो बंदा। मैं उसको अभी देखने की कोशिश कर रहा था अपने, फाइनली वो दिख जाता है। उसके बाद मैं उसको खोलता हूँ परंतु बंदा जैसे अंदर बार कर रहा था। और फाइनली हम उसको लगा देते हैं एक शॉट यहाँ पर फॉर एक्स से, एक शॉट पड़ा उसको भागा भागा और वो शॉट लगने के बाद दौड़ कर चला जाता है स्कूल के अंदर। दूसरा शॉट लगा के लिए वो मिस हो जाता है, लेकिन हमारी सड़क जाती है और हम अपनी बगी में बैठ कर उसके ऊपर कर देते हैं रश। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं स्कूल में उस बंदे के ऊपर रश करने ये बगी लेके। और देख रहा हूँ सब कुछ सदाई आवाज आ रही थी तो हमने इस पार्ट को फिर से कर दिया म्यूट। म्यूट करना हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन तो यहाँ मैं बच बचाते हुए उस बंदे के ऊपर रश करने जा रहा हूँ। यहाँ से ट्राई करता हूँ उस बंदे की देखने की, लेकिन वो नहीं दिखता है। तो चलते हैं छत पे ही बिल्कुल, यहाँ पर हम चढ़ जाते हैं बिल्कुल छत पे और वो बंदा वहीं घुस के बैठा रहता है। पहले मैं उसको चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फाइनली वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जिसके कि मैं हाथ सफाई करता हूँ तो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। तो बैकग्राउंड से इतनी आवाज़ आ रही थी कि मुझे फाइनली इसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक करना पड़ा।
तो उस बंदे को आने के बाद हम आते हैं एक और फुट स्टेप जिनको ऊपर जाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लगभग नहीं होता है। वो रो नहीं बैठता है यहाँ पे, और था कौन वो बॉट। तो एक बार फिर से बॉट वर्सेस बॉट, वहाँ बॉट को आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखती है जिस बंदे को मैं आगे मारा था उसके बाद बिल्कुल स्कूल के अंदर घुस के लगा रखी थी। तो उस बंदे को मैं कल उसके बाद अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पास ही हमारे रोक गिरा हुआ था, लेकिन हम उसके पास नहीं रुकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्रॉप को लुटा हुआ है। तो हम अब बगी लेकर इधर उधर डाउन डाउन चलते हैं। तो बगी के बाद इधर उधर घूमने के बाद हम फाइनली तीन लोग बच जाते हैं यहाँ पर, जिसमें से मैं इधर उधर घूमने की कोशिश करता हूँ और वेट करता हूँ कि मेरे अलावा जो तो बचे हुए हैं उन वापस फाइटिंग हो जाए। तो जोन के पास पास घूमने के बाद कुछ देर उधर उधर टाइम पास करने के बाद फाइनली उन दोनों में फाइट हो ही जाती है और मुझे पता चल ही जाता है कि लास्ट वाला बंदा किस साइड है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पैनिक हो जा रहा हूँ नंबर टू पोजिशन करने के बाद, मन में थोड़ा लालच आ जाता है। तो फाइनली स्पॉट हो जाता है, तो अगले शूटिंग होता है, मैं उसको बड़ा एक कर रहा हूँ। तो हम खेलेंगे, हमारी एक भी बुलेट उसकी टच नहीं होती है। थोड़ा और आगे चेकपोस्ट में आता हूँ और वहाँ से मुझे आवाज़ आती है पिंग घिंचने की, मुझे लगता है वो नेट की पिंग घिंच रहा है। लेकिन वो स्मोक होता है, स्मोक करके वो आगे जो बनाने की कोशिश करता है। मैं उसके ऊपर एक और स्प्रे करता हूँ, उसके अंदर भी आसानी से पेड़ के पीछे से ऊपर डिफेंस कर ले रहा हूँ। फाइनली वो मैं यहाँ पर हम थोड़े पहले हो गए थे और नंबर टू पोजीशन पर डिपार्ट कर।